हेलो यूट्यूब। तो मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि आप कैसे दो मतलब आइडेंटिकल एम्पलीफायर को कंबाइन करके मतलब एक डबल पावर वाला एम्पलीफायर सिंगल मोनो एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये था कि लेफ्ट और राइट चैनल के सिग्नल को कंबाइन करके उसके बाद जो है सो एक सिग्नल को 180 डिग्री पे इन्वर्ट्स करके जो है सो एम्प टू को भेजना था और एक सीधे एम्प वन को भेजना था। तो ऐसे में आप जो है सो दो कनेक्शन करते, एक पहला जो है सो प्लस से और दूसरा जो है दूसरा भी जो है सो प्लस से करते और निगेटिव जो है सो इसको छूते भी नहीं, इसको ये कॉमन हो जाता। तो यहाँ पे जो है सो जब ये प्लस होता है तो ये निगेटिव और ये जब प्लस होता तो ये निगेटिव, तो एक तरीके से ये डबल पावर जनरेट करता दो गुना और इससे आप एक बड़ा सा सबवूफर ड्राइव करा सकते थे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 180 डिग्री पे इन्वर्स करने के लिए आप एक मतलब जो मिक्सचर हो जाता ऑडियो मिक्सचर उसमें ये फंक्शन पहले से होता है। तो मेरे पास मतलब एक और तरीका है जिससे कि आप ये 180 डिग्री पे इन्वर्स कर सकते हैं, वो है एक इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर की मदद से। तो बेसिकली इसमें है ये कि आप यहाँ पे दो मतलब सिग्नल डालेंगे, एक जो कि एक ग्राउंड होगा एक नॉर्मल होगा सिग्नल। तो यहाँ से आउटपुट में जो है आपका दो सिग्नल निकलेगा, दो सिग्नल दोनों जो सिग्नल है वो एक एक दूसरे का इन्वर्स होगा और ये बीच वाला कॉमन होगा और ये एक दूसरे का इन्वर्स सिग्नल होगा। तो ये इस ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पहला तो ये हो गया, ये पहला हो गया, ये प्राइमरी हो गया प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कुछ इस तरीके का होगा, सॉरी तो इसमें जो है ये आपका कॉमन हो जाएगा और ये दोनों जो है सो इन्वर्स होगा एक दूसरे का। तो इस तरीके से आप इसका एक एक लीड जो है सो आप इसको देंगे फर्स्ट एम्प को और एक लीड आप सेकंड एम्प को देंगे और ये जो कॉमन है, ये जो बीच वाला कॉमन है वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा इसमें, ये इसमें ग्राउंड हो जाएगा। तो इसकी मदद से भी आप जो है सो एक पावर एम्पलीफायर को, दो पावर एम्पलीफायर को सिंगल पावर एम्पलीफायर बना सकते हैं और इससे आप डबल पावर आउटपुट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा था, मैंने कुछ दिन पहले ये ट्राई किया तो ये काम कर गया, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर में एक दिक्कत आ गया कि इसमें जो है सो चूँकि ये इंडक्शन से एक दूसरे मतलब इंडक्शन से जो है सो मतलब यहाँ से यहाँ करंट आता है, तो इसलिए इसमें जो है सो वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया। तो इसकी वजह से जो है सो जो बेस था वो थोड़ा सा घट गया, लेकिन पावर जो है सो डबल ज़रूर हो गया। तो एक तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है सो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा बड़ा रखें, दो गुना रखें, दो से तीन गुना, जिसकी वजह से जो है सो यहाँ पे जो है सो वोल्टेज ना कम हो इंडक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे इतना लंबा कॉइल है और यहाँ पे इसका आधा कॉइल है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज जो है सो दोनों में कम हो जाएगा तो सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको सिग्नल कमज़ोर ना करने के लिए मतलब इसका जो है कॉइल लंबा होना चाहिए और इसका भी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप इस मतलब दोनों को कंबाइन कर पाएंगे। ये जो है मतलब ये ट्रांसफॉर्मर जो है मुझे एक पुराने पावर एम्पलीफायर में मिला था, इसमें ये उस पावर एम्पलीफायर में क्यों था पता नहीं, लेकिन ये काम कर गया जब मैंने इसको टेस्ट किया इस तरीके से। तो मैं आपको मतलब इसी के साथ मतलब मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया, कनेक्शन करके दिखाऊंगा एम्पलीफायर में और उसके बाद आपको बजा के भी दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो चलिए एम्पलीफायर के पास चलते हैं। तो मेरे पास ये एक एम्पलीफायर है, इसका मैंने कवर हटा दिया है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है और ये दोनों जो पिन है ये दो सिग्नल का है। तो मैं बेसिकली करूँगा ये कि इस तीनों को इस ग्राउंड वाइट वाले को इस ग्राउंड के साथ और बाकी को मैं किसी के साथ भी मतलब कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद इस दोनों को जो है सो डायरेक्ट ऑडियो सिग्नल के साथ। इसके साथ होगा ये कि जब मैं ये देख रहे होंगे ये बैलेंस का ऑप्शन है, जब ये नॉर्मली आप क्या करते हैं राइट करते हैं तो राइट स्पीकर
लिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट स्पीकर, तो मैं नॉर्मली एक एक स्पीकर इस पे मतलब बजेगा, जो कि दोनों पॉजिटिव पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, आउटपुट का ये पॉइंट है, तो इसमें दो पॉजिटिव पे होगा। तो बेसिकली होगा ये कि मैं जब लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट हल्का आवाज़ देगा, और जब राइट करूँगा तो भी हल्का ही आवाज़ देगा सेम, लेकिन जब बीच में लाऊँगा तो ये आवाज़ डबल हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से इसके कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब जो है सो दोनों सिग्नल को जो है एक तरीके से मेरा दोनों एम्पलीफायर देख रहे होंगे, ये लेफ्ट चैनल है और ये लेफ्ट चैनल है और ये राइट चैनल है, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक बड़ा सा एम्पलीफायर बना रहा है, मतलब एक बड़ा पावर एम्पलीफायर कर लीजिए। तो आपके पास अगर कोई बड़ा पावर एम्पलीफायर है तो उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको खोल के अंदर से कर रहा हूँ, आप इसके बाहर से भी कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट सोल्डिंग कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप बाहर से भी कर सकते हैं, तो ये मतलब संभव है तरीके से एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से भी। तो फिर चलिए आगे, मैं पहले सोल्डिंग करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो मैंने सोल्डिंग कर दिया और ये ट्रांसफॉर्मर और इसका कनेक्शन डायरेक्ट मैंने जो है सो ये ब्लूटूथ वायरलेस ब्लूटूथ से कर दिया, आप देख सकते हैं, और इसका कनेक्शन जो है ब्लूटूथ का मेरे फ़ोन से है। तो मैंने सॉन्ग ऑलरेडी मतलब ये रहा है स्पीकर, और इस स्पीकर कनेक्शन आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव में है, और स्पीकर ये भी बज रहा है, तो इसको मैं वॉल्यूम देख रहे हैं, ये बैलेंस जो है सो एकदम लेफ्ट साइड में है, तो पहले मैं इसका वॉल्यूम देता हूँ। अब आपको सुनाई दे रहा होगा, और मैं अब करूँगा ये कि वॉल्यूम देने के बाद इसको बीच में लाऊंगा और फिर साइड में लाऊंगा, और आप नोटिस कीजिएगा इसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, हो सकता है माइक पे आपको पता ना चले लेकिन यहाँ पे लाइव पता चलता है। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और इस सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आप आगे भी ऐसा वीडियो देख सकें। और एक बात और कि यहाँ पे मतलब मेन पॉइंट में ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से मैंने दो सिग्नल दिया, और जैसा मैंने डायग्राम बनाया था आपको कॉपी पे, तो ये बेसिकली कर ये रहा है कि दो इन्वर्स सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको जो कि ज़रूरी था एक दो अलग अलग सेपरेट जो है सो एम्पलीफायर को कंबाइन करके एक मोनो एम्पलीफायर बनाने का, ताकि वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। तो यही बेसिक पॉइंट था समझाने का, और तो ठीक है, धन्यवाद, बाय।